गाइस वेलकम टू माय वीडियो। तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ गैस द इमोजी चैलेंज, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। आज मैं इमोजी को देख के बताऊँ गैस द एनिमल, बल्कि गैस द एनिमल फ्रॉम द इमोजी। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैलेंज। चलो आगे ना, शायद लेवल हार्ड भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी मैं कर सकता हूँ या फिर नहीं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ऐसी वीडियोस के लिए। गेस द एनिमल, आइस बेयर। सो इजी, मुझे टाइम लिमिट नहीं चाहिए। ये आइस बेयर है, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा हाँ गाइस, आप अपने ना कमेंट्स में ना आंसर बताना, जो जो आपने लिखे होंगे मैं पढ़ूंगा और देखता हूँ कितने लोगों का ना आंसर करेक्ट है। टाइम बहुत ले रहा है यार, जल्दी है। लेट्स को मेरा आंसर होना चाहिए राइट, क्योंकि आइस बेयर है ये। लेट्स सी आंसर, आंसर पॉलर बेयर। आइस बेयर पॉलर बेयर दोनों सेम होता है, बस पॉलर बेयर आइस बेयर सेम होता है। पहला हमारा करेक्ट हो चुका है, अब सेकंड में चलते हैं। लेट्स सी सेकंड है, गेस द एनिमल। चिकन। सामने है एक मुर्गी का बच्चा, उसे बोलते हैं इंग्लिश में चिक। तो ये सामने है एन, ये हो गया चिकन। ये बहुत जल्दी है चिकन। लेट्स गो। बस भाई बस। 3, 2, 1। आंसर इज चिकन। देखा, मैं सही था। चलो नेक्स्ट। यार देखो ऐसे तो नहीं होता, आपको इस वीडियो को लाइक करे बगैर जाने नहीं है। अरे हाँ, अबे याद आया, अरे मुझे आप लोग लाइक करे बिना ही चले जाओ यार। सब्सक्राइब लाइक कर दो अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कैसा एनिमल, बटरफ्लाई। आपको बस लाइक करना है, चैनल को नया तो सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दो प्यार होगा। चलो भाई बटरफ्लाई, ये सबको पता है, यानी कि बच्चों तक को भी पता है बटरफ्लाई। आंसर इज बटरफ्लाई। यस बटरफ्लाई करेक्ट, आंसर भी करेक्ट हो चुका है मेरा। चलो नेक्स्ट ना हो, नेक्स्ट फोर। हम फोर पहुंचे गाइस। अगर आपको पता है इसका आंसर, सबको ही पता है, मुझे पता है, तो कमेंट से बताओ गेस द एनिमल। अब मैं इसमें ये ऐसा नहीं बैठूंगा ना, ये क्या है समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसे थोड़ी ना करूँगा, मुझे पता है सिंपल है। स्टार फिश है, जिस जिसको नहीं पता स्टार फिश भी होती है, उसे तो सबको ही पता नहीं, मैं सभी बता रहा हूँ। स्टार फिश होती है, मूव नहीं करती, एक ही जगह होती है। स्टार फिश करेक्ट आंसर। एनिमल, आप सबको तो पता है, सामने पड़ा हुआ है पेन और आगे है डी ए डा। सो इट इज पेन डा, पेंडा। ये है पेंडा। इट्स सो इजी, ये तो बच्चा बता सकता है, सभी मैं बता सकता हूँ। बहुत इजी है मेरे लिए तो, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बच्चों का खेल है यार ये तो। पेंडा, इफ यू लाइक माई वीडियो तो भाई लाइक कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट। यार टाइम बहुत दे रहा है ना, 6। ओह अब देखते हैं, गेट द एनिमल ब्लू वेल। अरे मैं समझ गया सर्कल में, लेकिन ऐसे ब्लू कलर है।
सो इट्स अ ब्लू व्हेल. राइट आंसर होना चाहिए ये ब्लू व्हेल ही है. मुझे पता है ये ब्लू व्हेल है, पक्का होता है ये ब्लू व्हेल. मैंने गलत बताना था, मैंने बोला वेल, मैंने बोला नोला, ऐसा तो नहीं होता. सो गाइस मैं वीडियो को यही एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए और आपको मज़ा नहीं आया इस वीडियो में, इसलिए तो इसका पार्ट टू भी आएगा. तो गाइस इफ़ यू लाइक द वीडियो सो लाइक द वीडियो, इफ़ यू मोस्ट लाइक द वीडियो सो सब्सक्राइब द वीडियो, इफ़ यू मोस्ट एंड मोस्ट लाइक द वीडियो सो यू कैन ऑल्सो कॉमेंट मी. आप कॉमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो चैनल पे, और लाइक भी कर दो. और मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और टेक केयर, अपना ख्याल रखें.